हेलो एवरीवन, यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं फैन ऑफ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। 6:20 और अभी मैंने कुछ भी शाम का खाने की तैयारी वगैरह कुछ नहीं करी है, सिर्फ अभी झाड़ू लगाई है और अभी सिंक उधर लगानी है पाइप पर ताकि बर्तन वॉश कर सकें दोपहर के जो खाने के हैं वो। और यार आज जो मैंने वीडियो अपलोड करी है, एक्चुअली में वो थोड़ी सी लेट हुई है वीडियो अपलोड करने में। एक्चुअली में मैं सो गई थी, मुझे नींद लग गई थी और मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा यार। पर उस पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और वो वीडियो तो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई थी, DIY मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा कि सब कुछ मैंने DIY किया है तो शायद बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा उस वीडियो को, पर उतना प्यार नहीं मिला उस वीडियो को। मतलब जितना मुझे मिलता है 10-11 व्यू तो आते ही है ना, उतने व्यू भी नहीं आए उस वीडियो पे। पता ही नहीं क्यों नहीं आया। और कल यार मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे उस दिन जनता कर्फ्यू वाले दिन लगा था ना, कि जब 5 थाली शंख क्लैपिंग सब बजानी थी, तो सेम सिर्फ मोदी जी ने कहा था दिए जलाने, यहाँ तो दिवाली मना दी वाली है ना। ये तो आदिकाल से परंपरा चली आ रही है, मोदी जी ने कहा थाली बजानी है, लोगों ने पराते फोड़ डाली, मोदी जी ने कहा दिए जलाने, लोगों ने दिवाली मना डाली। और श्री रामचंद्र जी ने आदिकाल में कहा था अपने काल में कि सीता का पता लगाओ हनुमान जी से, तो हनुमान जी वहाँ जाके लंका फूंक के आए थे। तो बस यहाँ तो प्रभु का आदेश होता है और जो उसकी प्रजा होती है या उसके जो सेवक होते हैं वो उनका आदेश क्या होता है उससे बढ़ चढ़ के रखने का जज्बा रखते हैं इंडिया वाले। बाकी तो मुझे नहीं पता, सारे देशों में शायद ऐसा ही होता हो, जो नहीं पता है मैं कैसे कह सकती हूँ बाहर के देश का, पर इंडिया में तो यही होता है यार। तुम एक आदेश दोगे लोग उसका दुगना चौगुना करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने देश के प्रति बहुत 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 देशभक्ति वाली भावना है। और फैन ऑफ क्या हुआ, गर्मी लग रही है। यूट्यूबर्स की लाइफ ऐसी ईजी नहीं होती है, बहुत गर्मी लग रही है और अभी तो गर्मियों की शुरुआत हुई है जनाब, अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है, बहुत गर्मी है। और चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। और मैंने 2 से सोच रही हूँ DIY वीडियो मुझे शूट करनी है, मैंने जो पाउडर बनाया था ऑरेंज का, पर मैं क्या करूँ यार, मुझे इतनी नींद आ रही है, मुझे हद से ज़्यादा नींद आ रही है। मतलब इतनी नींद किसी को कैसे आ सकती है। मैं शायद 12:30 की सो रही थी और मैं 4:15 उठी हूँ, रात को भी मैं 10 बजे मेरी आंखें भारी होने लगती हैं, मेरे को नींद आने लगती है, मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे करना है मुझे वीडियो शूट, ऐसे नींद आंखें भरने लगती हैं, मैं फिर सो जाती हूँ। फिर सुबह तो मैं 5 उठ जाती हूँ, 5 उठ जाती हूँ, फिर अभी अपने घर के काम जो होते हैं वो करती हूँ। और आपका मैंने 3 का टाइम ले लिया है, चलो किचन में चलते हैं। और गर्मी बहुत ज़ोरों से लग रही है, ये गए हैं सामान लेने, कल दूध लेके नहीं आए थे तो अब दूध लेने गए हैं, क्योंकि कल लेट हो गए थे दूध ले जाने में और फिर दिन में मिला नहीं था, शाम को लाना था। शाम को ये किसी के साथ, मतलब जैसे गाय वाले प्लॉट में आस पड़ोस की गली के ही बैठ जाते हैं, जैसे जिनकी भी गाय हैं वो भी बैठ जाते हैं, तो वही अपने किचन न्यार कैसे होगा, गाय का कैसे होगा, ये सब बातें चलती रहती हैं, तो वही बैठ के बातें शातों में टाइम निकल गया, तो कल दूध नहीं आ पाया था हमारे। तो हाँ, इतना दूध था कि अब तक की चाय का हो गया है और अब दूध लेने जाएंगे। और क्या लेकर आना है, और भी कुछ सामान लेके आना है, हाँ अदरक, चाय के लिए अदरक नहीं है, अदरक ख़त्म होने वाली है, इतनी सी बचा रखी है। और जब मेरे पास थोड़ा सा सामान बच जाता है ना, मैं उससे पहले ही बोलना शुरू कर देती हूँ कि सामान ख़त्म होने वाला है, कि एटलीस्ट जब वो ख़त्म हो तो मेरे पास सामान आ जाए तब तक। तो हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए, जब आटा, मान लो आटा है 5-6 का आटा रह रहा है, मैं तभी से बोलूँ आटा ख़त्म है तो आटा आ जाए, चावल ऐसे ही करना चाहिए, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं सभी को यही एडवाइस करती हूँ कि ऐसे करना चाहिए। और मैंने इसके साथ ये वाली चुन्नी ली है, जो इसके साथ की आपको पता है वो गोल्डन कलर की चुन्नी, वो सिर पर बिल्कुल नहीं रुकती है, ये भी फिसलती है ऐसा नहीं है, पर वो तो बिल्कुल नहीं रुकती है, पर ये है कि ये तो टिक जाती है थोड़ी देर के लिए। और जब काम वगैरह करती हूँ तो इसको मैं कान के पीछे इस तरीके से कर लेती हूँ, तो ये कहीं नहीं जाती फिर। तो चलो चलते हैं किचन में। तो हे गाइस, यहाँ हम किचन में आ चुके हैं। तो मैं किचन में आने में सबसे पहले कर रही हूँ, जो टोकरे में बर्तन लगे हुए हैं उन बर्तनों को मैं लगा रही हूँ।
और ये सुबह के वॉश किए हुए बर्तन नहीं है, सुबह के बर्तन तो मैंने लगा दिए थे दोपहर को जो हमने लंच किया था उसके बाद के जो ये बर्तन हुए थे, बस मैं वही बर्तन लगाती हूँ और फिर उन्हें लगाने के बाद ये टोकरा यहाँ से हटा दूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है किचन काउंटर जो है मेरा ये थोड़ा छोटा है, तो स्पेस बनाने के लिए पहले मुझे यहाँ से सारा सामान हटाना पड़ता है, उसको उसकी जगह पर रखना पड़ता है और फिर मैं बाकी काम शुरू करती हूँ। तो बस वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन मेरे लग चुके हैं अपनी जगह पर, तो ये टोकरा खाली हो गया, तो इसको मैं सिंक के पास रख कर आ जाऊँगी, क्योंकि जो चाय वगैरह के दोपहर मतलब चाय जो पी है शाम की हमने, वो सारे बर्तन और दूध के पतीले वगैरह वो सारे मुझे वॉश करने हैं, तो बस मैं वही वॉश करने लगी हूँ, क्योंकि दूध का पतीले में मुझे दूध रखना है बॉयल करने के लिए, तो सबसे पहले मैं दूध के पतीले को ही वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सारे ऑलमोस्ट वॉश कर लिए हैं, कढ़ाई वगैरह हो गई थी क्योंकि दोपहर को रात के रखे हुए चावल थे वो फ्राई वगैरह किए थे वो हो चुका है, फिर इन्होंने कहा कि रोटी नहीं खानी है मुझे पूरी खानी है, तो फिर मैंने छोले की सब्जी रखी थी थोड़ी सी, वो पूरी चटनी और आम का अचार ये सब हो गया था, तो बस मैं यहाँ पर पूरी बेल रही हूँ, तो मैं उसी से बेल रही हूँ जो मेरे पास पूरी बेलने वाली मशीन है, उसी से मैं इसको पूरियों को फटाफट से बेल लूँगी। और बाहर ये खड़े हुए हैं और छाया भाभी खड़ी हुई हैं, वो बातें कर रहे हैं, तो छाया भाभी मेरा वेट मतलब कि बाहर खड़ी थी, तो मैंने फटाफट पूरी इससे जल्दी बेल जाती हैं, तो छाया भाभी कहती इतनी जल्दी तूने पूरी बेल भी ली, मैंने कहा हाँ। और खाना वाना बना के अब हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि आजकल गर्मी होने लगी और नीचे कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जिस वजह से ना नीचे रुका नहीं जाता है, तो थोड़ी देर के लिए चाहे मुझे 15-20 मिनट के लिए ही छत पे आना हो तो मैं शाम को इनके साथ आ जाती हूँ, अकेले तो मैं नहीं आती हूँ क्योंकि आपको पता है बंदर का डर रहता है यहाँ पे, हाँ जब ये ड्यूटी जाने लगेंगे तो नहीं आना हो पाएगा। जी बहुत हंसी आ रही है, मतलब रात के 11 बजने में 5 मिनट है, पहले आप सभी को बता देती हूँ, देख लीजिए ठीक है। तो हंसी किस लिए आ रही है मैं आपको बताती हूँ कि इस लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद हो गए हैं, अब उनके पास कुछ करने धरने के लिए तो है नहीं, मैं आदमियों की बात कर रही हूँ लेडीज़ों की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे स्पेशली, तो बेचारे जिन लोगों को कभी फ़ोन करके पूछ फ़ोन क्या उनके बारे में बात नहीं करते थे, आजकल उन लोगों के पास उनके फ़ोन जाते हैं उनसे घंटों घंटों बातें होती है, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हाँ कभी कभार फ़ोन आ जाता था, अब तो रेगुलर बेसिस पे फ़ोन आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब यार मोदी जी तुम कमाल हो मोदी जी, आप सच में बहुत कमाल हो कि लोगों के पास अब कुछ करने के लिए नहीं है ना, तो लोगों को अब इंसान याद आने लगे हैं, यानी तब लोगों को सिर्फ काम 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 और सिर्फ अपना काम याद आता था, आज अब मतलब आज उन्हें रिश्तों की वैल्यू रिश्तों की कदर होने लगी है, फ़ोन करके हाल चाल पूछना, इवन मैं अपने हस्बैंड का बता रही हूँ ये जिन लोगों के पास कॉल भी नहीं करते थे ना आजकल ये उनके पास भी कॉल करते हैं, कह रहे करूँ कि आप बैठ के खाली
चार चार पांच मतलब दिन में कम से कम ये 7 से 8 कॉल ऐसे लोगों के पास करते हैं जिनके पास इन्होंने शायद मे बी कभी कॉल किया हो, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही है। सिर्फ ये आदमियों के लिए था। मेरा तो वो ये, मेरी तो मम्मा का कॉल आ जाता है वो पहले भी आता था, मेरी सिस्टर का कॉल आ जाता है वो पहले भी आता था, हम बस यही इन्हीं लोगों का कॉल आता है मेरे पास, और किसी का नहीं आता। तो मैं या फिर जब ये ड्यूटी होते थे तो इनका आ जाता था बस। और एक कविता है, कविता लखोत्रा जी, उनका कॉल आ जाता है वो बात कर लेती हूँ। एक लड्डू की मम्मी, उनका कॉल आ जाता है उनसे बात कर लेती हूँ बस। लड्डू की मम्मी यहाँ एक घर छोड़ के रहती हैं तो उनसे भी कॉल फ़ोन पे ही बात हो पाती है, वरना ऐसे बात नहीं हो पाती आमने सामने। तो बस इसी बात को ना सोच के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि हाय राम क्या ज़माना आ गया है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ज़्यादा कुछ मैंने शेयर नहीं किया है, बस छोटी छोटी जो डेली ज़िंदगी की बातें हैं लाइफ से रिलेटेड वो आपके साथ शेयर करी है। फ़ैन ऑन है, मैंने बंद नहीं किया है उठने का, अलकस कर गई उसे बंद करने का, तो मैनेज कर लीजिएगा। कल मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग, नई होप, नई आशा और नई उमंग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो बाय बाय, और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपने से बड़ों का, बच्चों का, सभी का ध्यान रखिएगा और अपना खास कर ध्यान रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।